हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बगरे हुए चावल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बगरे हुए कह लें या छौके हुए कह लें, जीरा के बहुत ही टेस्टी चावल लगते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले चावल बिन के मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसमें नमक डाल के मैं इसे गैस पे चढ़ा दूंगी। अब हम इनको उबलने का वेट करेंगे, क्योंकि आज हम ये चावल उबाल के बनाने वाले हैं। ये ऐसे चावल की मार निकल जाती है जो कि हमें नुकसान भी नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोगों को बादी होती है तो वो नहीं खा सकते हैं, तो वो लोग भी इस चावल को खा सकते हैं। डायबिटीज़ वाले भी इस चावल को खा सकते हैं। तो ये तरीका आपको जानना होगा, और आप इस तरीके से ये चावल बनाएंगे तो आपको ये नुकसान भी नहीं करेगा। तो देखिए, चावल मतलब कि गल गए थे, मतलब हल्के एक कनी के चावल जब रह जाएँ तो हम इन्हें ऐसे पसा लेंगे। तो देखिए, हमने सारा पानी निकाल दिया हुआ है, ये चावल हमारे इस तरह हो गए हैं। अब हम इस पे गैस पे छौके वाली कटोरी चढ़ा के इसमें तेल डालेंगे। अब इसमें हम जीरा डालेंगे, हम इसमें इसके लाल होने पर, ब्राउन कलर का हो जाए जब ये भुन, मतलब कि जीरा हमारा अच्छे से तल जाए, तो हम इसमें चावल में ऐड कर देंगे उठा के। ये हमारे चावल में बघार लगा दी या छौका लगा दिया। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे, क्योंकि अगर इसे ऐसे चढ़ा देते हैं तो फिर चावल हमारा टूट जाता है। इस तरह पहले ही हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये टूटता भी नहीं है, और हमारा चावल में अच्छे से जीरा और ये तेल अच्छे से मतलब मिल जाता है। फिर हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे धीमी आँच पे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चावल तैयार हो चुका है। देखिए कितना अलग अलग एक एक छिटका हुआ चावल है, बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है, बहुत अच्छे से ये बन चुका है। आप देख सकते हो, जैसे शादियों में हलवाई बनाते हैं उसी तरीके ये बना हुआ है। अब इसमें चावल के साथ या रोटी के साथ हम अच्छे से सर्व कर सकेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कमेंट करें। जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।